अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नया दिन और जुमा मुबारक हो आपको सबको, बहन भाइयों को, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह मियाँ आपको गमों परेशानियों मुसीबतों से बचाए और कामयाबियाँ अता फरमाए। मैं अपने आज के व्लॉग का स्टार्ट ले रही हूँ। हमारे मुफ्ती साहब बयान दे रहे हैं रोज़े के बारे में, रमज़ान के बारे में। बहुत अच्छा बयान देते हैं ये। ये हर महीने उसके इस्लामी महीनों के हिसाब से हर जुमे को, जितना जुमे आते हैं महीने में, उसके हिसाब से बयान देते हैं और बहुत अच्छा बयान होता है। और अल्लाह मियाँ इनको सेहत और ज़िंदगी दे। बाकी आज जुमे का दिन है, जो भी दुआएं की जाएँ अल्लाह मियाँ कबूल फरमाता है। ऊपर से रमज़ान का महीना भी है। अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, सब के लिए, कुल मोमिन मुसलमानों के लिए दुआ किया करें। हाजतें पूरी होती हैं। अल्लाह मियाँ कहते हैं इस जुमे वाले दिन एक घड़ी ऐसी होती है जिसमें दुआ कबूल होती है। और आप सारा दिन ही दुआएं दिल में किया करें, अपने बच्चों के लिए, अपने वालदैन, अपने बहन भाइयों के लिए, सब के लिए। और अल्लाह मियाँ हमें रमज़ान के सारे तकाज़े पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही आप मेरे साथ रहें। जो कुछ मेरी आज की रूटीन होगी तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुफ्ती साहब का बयान सुनने लगो तो फिर बंदा और कोई सुन ही नहीं सकता। ज़बरदस्त बयान देते हैं और अल्लाह इनको याती दे लंबी। हाँ जी, मेरी बहू कोई कटलेट्स की रेसिपी बना रही है। ये आलू बॉयल किए हैं, इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें इसने शामिल की हैं। ये डो बना के रखी है और इसकी फिलिंग के लिए ये बना रही है सब्ज़ी। सब्ज़ी का कर रही है, मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ डाली हैं, लहसुन वगैरह और गाजर, बंद गोभी है और मसाले, सॉस, चीनी सॉस, सिरका और काली मिर्च और नमक सिर्फ डालना है। कुटी मिर्च नहीं डाली? वो भी कुटी मिर्च नहीं, नहीं वो कुछ भी नहीं डाली। ये दिए आसान कुछ। हाँ जी, इसको इसको खुशक करोगी? जी जी सही है।
चलें जी आपके साथ शेयर करेंगे। कितने मिनट? 30 मिनट सब्जी। ओए 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 इतना ज़्यादा सेकेंड है? 30 मिनट से 30 मिनट बोले। सुन यार, यहाँ जी आज फिर मकरोनियाँ बनी हैं जी मेरे पोते की। हुए ये बच्चे जो है ना शौकीन से ये नहीं छोड़ते। ये फूल गोभी का थोड़ा सा सालन बनाया है जी बहू मेरी ने, तो काम अभी जारी है। शादी है अभी, ये भी जो भी पड़ी हुई है इसका फिलिंग कंप्लीट हो गई है, फिलिंग ठंडी हो गई है जी। अच्छा आटा भी गूंदा हुआ है जी, आटा भी गूंदा है, सारे काम साथ साथ चल रहे हैं। हर चीज़ पहले ही तैयार करके रख देते हैं कि बाद में मसला ना हो। ये जी उसकी फिलिंग तैयार हुई हुई है। ये दो बनी है, ये हम बना रहे हैं इसमें। जो फिलिंग बनाई थी ये मैंने उसको गोल गोल बाल बनाए हुए हैं और उसको फिर प्रेस करके, तो ये इसको हम बाद में अंडे में डिप करके सूजी में जैसे ब्रेड क्रम में करते हैं ना उस तरह करके तो फ्राई कर लेंगे। हाँ जी इसको आप प्रेस कर देंगे, साइज से बराबर कर लेंगे, गोल कर लेंगे, सारी ऐसे ही बनेंगी। फिर इनको बस फ्राई करना होगा उसमें डिप करके, मैदे वाले में या अंडे में डिप करके। आप ऊपर सूजी की कॉर्नफ्लोर की तरह सूजी लगा के, कॉर्नफ्लोर की तरह नहीं हो उसकी तरह ब्रेड क्रम्स की तरह, तो इनको फ्राई कर लें। गाइड रोज़ा लगे हुए? रोज़ा नहीं लगा, वो भूल जाती हूँ ना। आज मम्मा के पोते कभी रोज़ा है पहले। ये तैयार कर लिए हैं, अब जब फ्राई करेंगे तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी मेरे इस बड़े पोते रूहान ने आज रोज़ा रखा है, इसकी ज़िंदगी का पहला रोज़ा है। अभी तक हमने इसको काम किया हुआ है, बस पौना घंटा रह गया रोज़ा बंद होने में, रोज़ा खुलने में, तो मेरे बेटे का रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा और ये रोज़ेदार कहलाएगा फिर, क्योंकि इसने अपना पहला रोज़ा रखा है आज। ऊपर देखो मेरी तरफ। हाँ जी इसको हमने कंट्रोल, स्कूल से आता है ना तो किचन में घुस के ना सारी चीज़ें तलाश करता है कि खाने के लिए कुछ मिल जाए, इसको बहुत भूख लगती है। आज इसने माशाल्लाह सही कंट्रोल किया और इसका सही मज़े का रोज़ा गुजरा है। मौसम भी अच्छा था, ठंडा ठंडा मौसम था, तो इस वजह से बस इसको भी पता नहीं चला, तो अभी बस थोड़ा सा टाइम रह गया है। इसने नमाज़ें भी सारी पढ़ी हैं, फजर की भी पढ़ी है, जोर की भी, असर की भी, अब मगरिब की भी पढ़ेगा इंशाल्लाह और इशा की भी पढ़ेगा अगर सो ना गया तो। चार दो लूंगा और दो ये लूंगा। हाँ जी आज अंडे बॉईल करके वो पकौड़ा सा बनाया है और ये जो मैंने वो की थे बहू मेरी ने कटलेट्स आपके साथ शेयर किए थे वो फ्राई करने के लिए डाले हुए हैं, तो उधर रोटियां भी पक रही हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम रह गया है अफ्तारी को। मैंने इसकी बना दी है, ये देखिए वो चढ़ के बैठा हुआ है आपको आके, कहता है किस वक्त खुलेगा, अब इसको जलती पड़ी हुई है। अब ये निकले ना, आज कुक बन गया है जी। बाहर का मौसम देखें जी, बादल बने हुए हैं, सही ठंड बनी हुई है, मरी बना हुआ है, मरी अयूबिया नारान का खान बना हुआ है हमारा इब्तबाद, सही ठंड बनी हुई है। अभी सर्दी बारिश रुकी हुई है तो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा, जैसे कहीं बर्फ़ पड़ी हो या
ओले पड़े हों, उसकी वजह से ठंड है। हाँ जी, ये कुछ तैयार हो गए हैं, देखें कितना प्यारा कलर आया है इनका। ये देखें सही क्रिस्पी क्रिस्पी हैं, मज़े के। इसके साथ ही प्यारे बहन भाइयों मुझे इजाज़त दें। ये सूजी ऊपर लगा रही है, हाँ जी मैं अब इजाज़त चाहूँगी प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया है। तो जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। मैं सबके लिए दुआएं करती हूँ, अपने प्यारे बहन भाइयों के लिए, तमाम लोगों के लिए। और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें और दोस्तों में शेयर भी किया करें, और नए आने वाले सब्सक्राइब भी किया करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है प्लीज़ वो मेरी वीडियो भी देखा करें, क्योंकि सब्सक्राइबर व्यूवर्स इतने नहीं हैं जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो वो पूरे तो वीडियो नहीं देखते जितने भी सब्सक्राइबर हैं। प्लीज़ वीडियो देखा करें मेरी। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।